वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, MBBS फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, आज हम हमारे इस चैनल पे कम्युनिटी मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं। PSM के सारे वीडियोज आने वाले हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करें चैप्टर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। इस चैप्टर में पहला टॉपिक है हेल्थ क्या है और डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या है, वो यहाँ पर स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो आराम से बैठिएगा, रिलैक्स होकर बैठिएगा, बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखनी है, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर हेल्थ क्या है। हेल्थ वाइवा में सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। WHO की क्या डेफिनेशन है हेल्थ की। अब गाइज, हेल्थ मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई भी डिजीज नहीं है। ये पर्सन है, दिस वन इज पर्सन, इसकी कोई भी डिजीज नहीं है, ठीक है। जो इन्वायरमेंट में डिजीज पाई जाती है ना, बीमारियां, कोई भी बीमारी नहीं है, तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये हेल्दी है। इट इज नॉट हेल्दी, ठीक है। हेल्थ क्या है, हेल्थ में क्या आता है, तीन डायमेंशन आते हैं। एक होता है फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग। मतलब जो आदमी है, जो भी है पर्सन, वो फिजिकली, फिजिकली मतलब उसका बॉडी सही तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है हेल्थ की। हेल्थी तभी कहेंगे जब उसकी बॉडी सही तरह से काम करेगी, पहला डायमेंशन ये। मेंटली, वो मेंटली सही रहना चाहिए। मेंटली मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, इसका अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, वैसे ब्रेकअप हो गया। ये दिमाग, इसके जो डिजीज तो है नहीं, लेकिन ये मेंटली प्रेशर में है। मेंटली क्या है, प्रेशर में है, इसको धोखा मिला है, तो ये डिप्रेस्ड रहेगा। तो ये डिप्रेस्ड रहेगा तो इसे हम हेल्दी नहीं कह सकते। तो मेंटली भी फिट होना चाहिए आदमी, अगर उसे हेल्दी रहना है तो, ठीक है। ठीक है, तो फिजिकली समझ में आ गया कि बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। मेंटली समझ में आ गया, ठीक है, कोई भी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग एकदम स्थिर होना चाहिए, ठीक है। सोशल वेलबींग, सोशली मतलब ये आदमी है, ठीक है। अब इसको इसके बेस्ट फ्रेंड ने कहीं बुलाया नहीं, ठीक है, और इसको कोई रिश्तेदारी में इसका कोई इन्विटेशन नहीं आया, ठीक है। तो सोशली वेलबींग मतलब सोशली वो पर्सन अनहेल्दी है, ठीक है। तो हेल्दी मत, हेल्थ का डेफिनेशन क्या हुआ, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग, ये पूरा डेफिनेशन हुआ। एंड नॉट मेयरली एन अब्जेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ एक अब्जेंस ऑफ डिजीज ही नहीं है, बल्कि हेल्थ क्या है, एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एकदम दिमाग में छप जानी चाहिए ये डेफिनेशन, क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। साथ साथ में हेल्थ की एक और चीज हम देख सकते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड द एबिलिटी टू लीड सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। कि जब हेल्दी रहेगा आदमी तो सोशली वो जो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और साथ साथ में इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, मतलब हेल्दी रहेगा तो उसको रोजगार ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ज्यादा रोजगार मिलेगा तो पैसे ज्यादा आएंगे, तो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ अदा करता है एक हेल्दी पर्सन, ठीक है। अगर हेल्दी रहेगा तो सोशली वो अच्छा सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा एंड इकोनॉमिकली वो प्रोडक्टिव होएगा, ठीक है। समझ में आ गया हेल्थ की डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए हेल्थ की। नेक्स्ट हम बात करें डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के क्या क्या डायमेंशन है, क्या क्या चीजें आती हैं हेल्थ में, कि हम कौन कौन से डायमेंशन से हम बोल सकते हैं कि ये हेल्दी पर्सन है, ठीक है। अब इसका एक निमोनिक है PSM-7। अब आपने गाना सुना होगा, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, ठीक है, सुना है। अब हम PSM को पढ़ने के लिए कम्युनिटी मेडिसिन को पढ़ने के लिए सात समुंदर पार आ गए हैं भाई। सात समुंदर पार हम ट्रेवल करके कम्युनिटी मेडिसिन को पढ़ने आए हैं, ठीक है। तो इसका निमोनिक है PSM-7। PSM-7 छोटा निमोनिक है PSM-7। सात समुंदर पार पढ़ने आए हैं भाई, सेवन मतलब सात, ठीक है, PSM-7, क्लियर। अब यहां पर मैं सारे डायमेंशन बता रहा हूं, एक एक डायमेंशन को फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहां पर नाम नाम देख रहे हैं, ठीक है, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, एंड देन कुछ छोटे मोटे डायमेंशन भी आते हैं, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल एंड न्यूट्रिशनल डायमेंशन। ये सारी चीजें आ गई सब। अब हम बात करें, ठीक है, कि फिजिकल डायमेंशन आखिर होता क्या है। फिजिकल डायमेंशन गाइज क्या है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारा एक ह्यूमन है, ठीक है। इस ह्यूमन में फिजिकल डायमेंशन क्या होता है, ये इंडिकेट करता है फिजिकल डायमेंशन की उस बॉडी की फंक्शनिंग कैसे हो रही है, ठीक है। उसके सारे ऑर्गन, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गन है, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, ठीक है,
फिजिकल डायमेंशन बताता है कि इसके सारे ऑर्गन, किडनी, ब्रेन, हार्ट, कोई भी ऑर्गन है, वो ऑप्टिमम कैपेसिटी में वर्क कर रहा है या नहीं है। मतलब जिसकी जितनी उसकी कैपेसिटी है वर्क करने की, जैसे सपोज करो किडनी की कैपेसिटी है वर्क करने की बहुत ज्यादा, तो उस कैपेसिटी में वर्क कर रहा है कि नहीं, वो हमें क्या कौन बताएगा? फिजिकल डायमेंशन बताएगा। ठीक, इट इंडिकेट द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। और ये बोलता है कि अगर हेल्दी तभी माना जाएगा जब ये सारे जो सेल्स हैं या फिर ऑर्गन है, जो भी ऑर्गन है हमारे, किडनी, ब्रेन, हार्ट, या फिर जो भी सेल्स है हमारी, वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी में अगर वर्क कर रहे हैं ना, तभी हम हेल्दी माने जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल डायमेंशन क्या बताता है? इट डिफाइंस हेल्थ बायोलॉजिकली एज ए स्टेट, वो स्टेट है इन विच एवरी सेल, प्रत्येक सेल और ऑर्गन हमारी बॉडी का, प्रत्येक सेल और ऑर्गन फंक्शनिंग मतलब काम कर रहा है एट ऑप्टिमम कैपेसिटी, मतलब जितना उसे काम करना चाहिए उतना वो काम कर पा रहा है, तभी हम हेल्दी होंगे। और साथ साथ में एक चीज और बताता है, ये जो ऑर्गन है एंड ये जो सेल्स हैं, ये परफेक्ट हार्मनी विथ रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ये सारे ऑर्गन, हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये जो भी जितने भी ऑर्गन है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होने चाहिए, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, करने चाहिए काम के अंदर, तभी हम हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया फिजिकल डायमेंशन क्या कहता है। ठीक, अगर हम फिजिकली परफेक्ट हैं, ठीक है, तो हमारे बहुत सारे साइंस होते हैं, जैसे क्लीन स्किन, क्लीन स्किन, ब्राइट आई, लस्टर लस्टर से चमकते हुए बाल, ये सारे डिनोट करते हैं कि आप फिजिकली हेल्दी हो। ठीक है, समझ में आ गया फिजिकल डायमेंशन क्या है। फिजिकल डायमेंशन वापस बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है, एक ये है कि ऑर्गन जो है आपके और जो आपके जो सेल्स हैं वो ऑप्टिमम कैपेसिटी में वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ये इंडिकेट करता है फिजिकल डायमेंशन। समझ में आ गया। नेक्स्ट, मेंटल डायमेंशन क्या होता है? मेंटल डायमेंशन जो है वो क्या है आपका, देखो स्टेट ऑफ बैलेंस होता है इंडिविजुअल और सराउंडिंग वर्ल्ड में। जो इंडिविजुअल है, ये एक ह्यूमन है, इसका इस सराउंडिंग वर्ल्ड में इसका बैलेंस रहता है, जो आपके इन्वायरमेंट है सराउंडिंग, उसका बैलेंस रहता है। ठीक है, जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तब इस ह्यूमन का दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसे क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया, ज्यादा सोचने लग जाता है कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, टेंशन आ जाती है दिमाग में, तो वो क्या कहलाता है? मेंटल डायमेंशन। एक बैलेंस बना रहता है इंडिविजुअल और सराउंडिंग वर्ल्ड में, जब वो बैलेंस खराब हो जाता है तो वो वहां पर क्या आ जाता है? मेंटली अनहेल्दी हो जाता है ह्यूमन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब मेंटली हेल्थी पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्वेश्चन आता रहता है कि अब मैं मेंटली हेल्थी पर्सन हूं, मान लो सपोज करो, कोई भी 100% मेंटली हेल्थी नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, लेकिन मैं एक मान लो सपोज कर लेते हैं हाइपोथेटिकली मैं मेंटली हेल्थी पर्सन हूं, तो मेरे अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब मेरे अंदर कोई भी टेंशन नहीं है, मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मैंने ये काम क्यों किया, मैंने वो काम क्यों किया, मेरे अंदर कोई भी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, ही इज नॉट एट वार विथ हिमसेल्फ, मतलब मेरे अंदर ऐसे कभी भी फीलिंग नहीं आएगी कि यार मैं मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मतलब मैं अपने खिलाफ वॉर नहीं कर रहा। ठीक है, मैं अपने से संतुष्ट हूं कि मैंने ये काम किया, हाँ मैंने किया। ठीक, फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, ही फेस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सोल्व देम इंटेलिजेंटली, मैं मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएंगी तो मैं उसको फेस कर लूंगा। अगर मैं मेंटली हेल्थी पर्सन हूं, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बता रहा हूँ? मेंटली हेल्थी पर्सन की, मैं अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व कर लूंगा एंड ट्राई टू सो देम इंटेलिजेंटली, मतलब जो भी हेल्दी पर्सन होगा वो अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेता है और इंटेलिजेंटली सोल्व करता है। ठीक है, गुड सेल्फ कंट्रोल बैलेंस, मतलब उसका सेल्फ कंट्रोल उसके ऊपर रहता है, मतलब हर काम वो ऐसे ही नहीं कर देता, मतलब कंट्रोल करने की क्षमता उसकी ज्यादा रहती है। जैसे कोई भी लड़ाई होगी तो मतलब इमोशनली नहीं आ जाता इतनी जल्दी, मतलब ठीक है, समझ में आएगा। ही इज वेल एडजस्टेड, वेल एडजस्टेड मतलब ही इज एबल टू गेट अलोंग वेल विथ अदर, ही इज एबल टू गेट अलोंग वेल विथ अदर, मतलब दूसरों के साथ खुशी खुशी रहता है, ऐसे ईर्ष्या भावना नहीं रखता। जो मेंटली हेल्थी पर्सन है वो एक ईर्ष्या भावना नहीं रखेगा कि भाई ये आगे क्यों बढ़ रहा है। ठीक, दूसरों के साथ खुशी खुशी रहने का शौक वो रखता है मेंटली हेल्थी पर्सन। एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, मतलब कोई भी क्रिटिसाइज करेगा उसे तो वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, बुराया कोई करेगा तो एक्सेप्ट कर लेता है, वो ज्यादा उत्तेजित नहीं होता कि मैं उसको वापस रेस्पॉन्स दो। ठीक है, एंड नॉट इजिली अपसेट, अपसेट नहीं होता इजिली। ठीक, तो ये सारे जो करेक्टरिस्टिक है मेंटली हेल्थी पर्सन के होते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन में हम आते हैं सोशल डायमेंशन। हमने मेंटल डायमेंशन देखा, फिजिकल डायमेंशन देखा, अब बात करते हैं सोशल डायमेंशन। डिफाइंड एज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल टाई,
इंटरपर्सनल टाइप, आपको पता है क्या होता है, ह्यूमंस, जैसे ये एक ह्यूमन है सोसाइटी में, ये एक ह्यूमन है सोसाइटी में, दो ह्यूमन है, अब इन दोनों ह्यूमन के बीच में कैसे व्यवहार है वो डिफाइन करता है सोशल डायमेंशन। क्वांटिटी और क्वालिटी, उन जो इंटरपर्सनल टाई है, जो व्यवहार है उसकी क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है, वो किस में आता है, सोशल डायमेंशन में आता है, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, और जो भी पर्सन है उसका जो कम्युनिटी है उसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो कौन बताता है, सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन क्या बताएगा, आपकी इंटरपर्सनल टाइज, मतलब संबंध कैसे हैं व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपके संबंध कैसे हैं सोसाइटी में, और कम्युनिटी में आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो क्या बताएगा, सोशल डायमेंशन बताएगा, ठीक है। स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या बताता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन बताएगा रेफर टू दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल दैट स्ट्राइव फॉर मीनिंग एंड पर्पज ऑफ लाइफ, ठीक है। ये एक ह्यूमन है, जब ये ह्यूमन सोचने लग जाता है अपने जिंदगी का मकसद, मतलब उस उसकी जिंदगी का क्या टारगेट है, उसकी जिंदगी का पर्पज क्या है, वह क्यों पैदा हुआ है, ठीक है, उसको क्या पूरा करना है अपना टारगेट, ठीक है, वो किस में आता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन में आता है। समझ में आ गया, सोशली डायमेंशन ठीक है क्या होता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होता है। नेक्स्ट वोकेशनल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन एग्जाम्पल से बताएंगे। सपोज एक ह्यूमन है, ठीक है, इस ह्यूमन को इंजीनियर बनना था भाई, इंजीनियर बनना था, क्या बनना था, इंजीनियर बनना था, ठीक, लेकिन घर वालों ने इसे डॉक्टर बना दिया, घर वालों ने क्या बना दिया, डॉक्टर बना दिया, तो ये अपने प्रोफेशन से खुश नहीं होगा। जब ये प्रोफेशन से खुश नहीं होगा तो फिजिकली अनहेल्दी होएगा, फिजिकली अनहेल्दी होएगा और मेंटली भी अनहेल्दी होएगा, ठीक। लेकिन इस व्यक्ति को, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति को इंजीनियर ही बनना था, तो अगर वो इंजीनियर ही बन गया, ठीक है, जो उसके मन में है वो बन गया, तो वो क्या होएगा, उसकी फिजिकली हेल्दी होएगा और मेंटली हेल्दी होएगा, ठीक है। तो वोकेशनल डायमेंशन यही आता है कि उसको अगर फेवरेट वर्क मिला, ठीक है, तो वो वर्क जो है, जो काम है, वो प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है इमोशनल डायमेंशन, लेट्स टू फीलिंग्स, फीलिंग्स आप में कैसी हैं, इमोशनल डायमेंशन वो पता, वो बताता है, ठीक है। और भी डायमेंशन आते हैं, जैसे कल्चरल डायमेंशन है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन है, एजुकेशनल डायमेंशन है, न्यूट्रिशनल डायमेंशन है। कल्चर मतलब आपका कल्चर भी डिफाइन करता है हेल्थ को, ठीक है, इन्वायरमेंट भी डिफाइन करेगा, एजुकेशन कितनी है वो भी डिफाइन करता है, एंड न्यूट्रिशनल आप कैसे ले रहे हो वो भी आपके हेल्थ को डिफाइन करता है। तो ये सारी चीजें डायमेंशन में आई कि हमें कौन कौन से डायमेंशन हैं, ठीक है। फिजिकली डायमेंशन मैं वापस बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकली डायमेंशन मतलब गाइस, फिजिकल मतलब सारी जो बॉडी के ऑर्गन एंड सेल हैं आपके आपके ऑप्टिमम कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं, क्लियर। मेंटल डायमेंशन मतलब क्या होता है, मेंटल डायमेंशन मतलब आप, आपका दिमाग जो है वो स्थिर है, एकदम स्थिर है, ठीक है, ठीक है। अब बात करें हम सोशल डायमेंशन की, सोशल में क्या होता है, आपकी सोसाइटी के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो कैसा है, ठीक है, इंटरपर्सनल टाइज कैसी है, ठीक है, वो बताता है, ठीक है, आपके व्यक्ति टू व्यक्ति आपका रिलेशन कैसा है, आपके संबंध कैसे हैं, ठीक है, वो बताता है, आपका व्यवहार कैसा है, वो सोशल डायमेंशन बताएगा। वोकेशनल डायमेंशन मतलब आपका जो वर्क है वो आपकी इच्छा के अनुसार है या नहीं है, ठीक है, वो बताता है। इमोशनल फीलिंग्स को बताएगा, स्पिरिचुअल आपको पता ही है, स्पिरिचुअल मतलब पर्पस ऑफ लाइफ बताएगा कि इंसान ढूंढेगा कि उसका लाइफ का मकसद क्या है वो बताएगा, ठीक है। तो ये सारी डायमेंशंस ऑफ हेल्थ हुई, ठीक है गाइस, ये सारी चीजें हुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना गाइस, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मेहनत लगती है गाइस बहुत ज्यादा, और थोड़ा आप लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं थोड़ा तसल्ली मिलती है, ठीक है, दिमाग को, अभी मेंटली हेल्दी हो जाऊं, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, और आपको नोट्स चाहिए हो तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, अनुराग सैनी MBBS को। कोई भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज खुश रहिए और मेंटली हेल्दी रहिए। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।